नेता प्रतिपक्ष झारखंड विधानसभा अमर बाउरी ने हुल दिवस के अवसर पर रांची के सिद्धू कानू पार्क में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मौके पर उन्होंने कहा कि आज के ही दिन सन 1855 में संथाल परगना से हुल क्रांति का आगाज किया गया था। यह वह समय था जब संथाल परगना से निकली चिंगारी पूरे देश भर में फैली और फिर 1857 का पहला आजादी की क्रांति की गई। इस क्रांति में लगभग 500 से अधिक आदिवासियों ने अपनी जान गंवा दी। वहीं अमर बाउरी ने वर्तमान राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो सिद्धू कानू के नाम पर जनता के बीच जा रही है, उनके वंशज की अस्मिता को खत्म करने की राजनीति कर रहे हैं। जिस तरह से भोगना डी में डेमोग्राफी बदल रहा है, उसे लगता है कि आदिवासियों के बेटी रोटी माटी को समाप्त करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। और इसमें 50,000 से ज्यादा आदिवासी जननायकों ने अपने प्राणों के आहुति लगा कर सिद्धू कानू जी के जान देने के नेतृत्व में उन्होंने अंग्रेजों को टक्कर दिया और उनको भगा दिया। आज उसी सिद्धू कानू जी के पावन भूमि भोगना डी, यहाँ आज 9 घर से ज्यादा 10वां घर नहीं है, पूरा वहाँ का डेमोग्राफी चेंज हो गया, पूरा आदिवासी अस्मिता खतरे में आ गई। सिर्फ और सिर्फ उनके भावनाओं का जो है वो राजनीति करके सत्ता में आने का ही नहीं होना चाहिए। उन्होंने जिस मूल भावना के साथ लड़ाई लड़ी कि भाई हमारी आदिवासी अस्मिता बचनी चाहिए, जब आदिवासी ही नहीं बचेगा तो आदिवासी अस्मिता और हुल का क्या मतलब रहेगा। आज लोगों ने अपने राजनीति के स्वार्थ के कारण वो आदिवासी अस्मिता को कटघरे में खड़ा कर दिया। और मैं तो कहता हूँ आप बड़े जवाबदेही के साथ संथाल परगना में आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में है, झारखंड में भी डेमोग्राफी चेंज करने का, विशेष करके आदिवासी वर्ग जहाँ बेटी रोटी और माटी का संकट खड़ा हो गया है इस सरकार में। आप देख रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं अभिनंदन, मुख्यमंत्री जी के बगल में है और देखिए इस पॉन्ड का हालत देखिए। कम से कम आज के दिन तो सफाई करनी चाहिए, आज के दिन तो बताना चाहिए।